ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स, ओके, फ्रॉम टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट। विनी एंड गिनी वेयर गोइंग होम। विनी और गिनी घर जा रहे हैं। ऑन द वे दे सॉ सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट। जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेवमेंट मीन्स फुटपाथ, ठीक है, तो फुटपाथ बना रहे हैं। द टाइल्स यूज्ड वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइंस। टाइल्स यानी पेवमेंट बनाने में ये जो टाइल्स यूज हुए हैं वो डिफरेंट कलर्स के थे, अलग अलग रंगों के और अलग अलग डिजाइंस के थे। दिस इज व्हाट दे सॉ। उन्होंने देखा ये क्या है। यहाँ पे देखिए, ये पेवमेंट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइंस बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन ए रॉक। और घर पहुंचकर उन लोग दोनों ने क्या देखा कि उसकी मम्मी की साड़ी रस्सी पे टंगी हुई है। ये देखिए, उसकी मम्मी की यहाँ साड़ी है वो। इट ऑल्सो हैड अ नाइस डिज़ाइन विथ डिफरेंट कलर्स। ये भी बहुत ही अच्छी डिफरेंट कलर्स यानी अलग अलग कलर्स की और अच्छी डिज़ाइन की डिज़ाइन है। हाँ, उसने क्या देखा कि उसको, उन्होंने देखा कि ये अलग अलग कलर्स के और ये बहुत ही नाइस डिज़ाइन यानी कि अच्छी डिज़ाइन की ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द इवनिंग दे वेयर प्लेइंग इन ए पार्क दे सॉ आयरन ग्रिल्स ऑन अ बाउंड्री वॉल। और शाम में जब वे खेल रहे थे पार्क में, तब उन्होंने देखा कि आयरन यानी लोहा होता है, लोहे की जो ग्रिल होती है, ठीक है, वो बाउंड्री वॉल यानी कि वॉल के ऊपर जो बाउंड्री होती है, हाँ, दीवार के ऊपर जो बाउंड्री डाली हुई है लोहे के ग्रिल की, उन्होंने उसकी डिजाइंस देखी, ठीक है, ये देखा, ठीक है। लुकिंग एट द ग्रिल्स बिनी सेड। ग्रिल्स देखकर बिनी ने कहा, दिस सेम ग्रिल्स मेड अ डिफरेंट पैटर्न इन अवर विंडोज एट होम। तो बिनी ने बोला कि ऐसी सेम ग्रिल्स डिफरेंट पैटर्न्स में यानी कि उसके अलग पैटर्न्स में उसके विंडो, उसके घर पे विंडो की है, यानी कि विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की होती है, तो खिड़की में उसकी सेम ग्रिल्स डाली हुई है उसके डिफरेंट पैटर्न में यानी अलग पैटर्न में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पे देखिए ये कैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, डिज़ाइन ऐसे बनी हुई है, सीधी सीधी है पूरी, ओके। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, वही सेम ग्रिल्स कैसे हो गई है, ये हॉरिजेंटल में हो गई है, ठीक है, ये वन डिज़ाइन है ना ऐसी वाली, वो हॉरिजेंटल में है और ये ऊपर में जो है वो वर्टिकल में है यानी कि खड़ी है और ये आड़ी है, ओके। वी सी मेनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स क्लॉथ्स ड्यूरीज। हम लोग ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स अपने आसपास में देखते हैं, टाइल्स पे, क्लॉथ्स पे, ड्यूरीज पे, ठीक है। नेक्स्ट इज भोलू हैज ईटन ए पार्ट ऑफ द सॉल ऑफ बिनीज मदर। भोलू, ये कौन है, भोलू है, ठीक है, भोलू ने शॉल, बिन्नी के मदर की शॉल खा ली है, एक पार्ट उसने खा ली है, ठीक है। चूहे जो होते हैं ना वो कपड़े कैसे कुतर देते हैं ना साइड से, तो वैसे ये भोलू जो है वो एक रैट है, हाँ, उसने साइड से बिन्नी के मदर की जो शॉल है वो साइड से खा ली है। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न्स। अभी आपको ये शॉल देखना है और इधर फोर दिए हुए, उसके पीसेस दिए हुए हैं जो उसने खा ली है, तो वैसे कौन सी यहाँ पे मैच होगी, ठीक है, उसके शॉल की पीसेस कौन सी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसकी पैटर्न की डिज़ाइन देखिए कैसे ये फोर फोर बने हुए हैं ना ऐसे,
ये ऐसे डिज़ाइन नहीं है, ऐसे भी डिज़ाइन नहीं है, ऐसे भी डिज़ाइन नहीं है, ये ऐसे डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे फोर दिए हुए हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, तो ये डिज़ाइन है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट इज माधव वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन ए गेट यूजिंग, माधव अपने गेट की जो पैटर्न है वो ऐसी बनाना चाहता है, ठीक है, यूजिंग ऐसे जो डिज़ाइन है ना वैसी डिज़ाइन डालकर वो अपने गेट की पैटर्न बनाना चाहता है। कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दिस, अभी ऐसी डिज़ाइन से जो ये डिज़ाइन बताई गई वैसी डिज़ाइन से कौन सा पैटर्न नहीं बन पाएगा वो आपको बताना है। देखिए ऐसे पैटर्न्स बन सकते हैं इसमें, क्योंकि यही डिज़ाइन है सेम टू सेम, ठीक है, ऐसे भी बन सकते, एक सीधा है और एक उल्टा है, ये देखो ये ऐसे उलट दिया गया है और ये एक सीधा है, एक उल्टा फिर सीधा, ठीक है, ऐसे भी पैटर्न्स बन सकते हैं, ये वाली भी पैटर्न्स बन सकती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वही डिज़ाइन है, ठीक है, तो ऐसे भी बन सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये ऐसे भी पैटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि वो वही डिज़ाइन है, एक इधर है, एक ऐसे है, एक नीचे से है और एक राइट से है, ठीक है, राइट से और लेफ्ट से, ऊपर और नीचे, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कहीं से भी ये डिज़ाइन नहीं है जो आपको बताया गया है, ये डिज़ाइन नहीं है, ये अलग ही डिज़ाइन है, तो ये पैटर्न नहीं बन सकता। इसमें पूछा है ना कि कौन सी है जो नहीं बन सकती है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ये पैटर्न आपको उससे नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पर्पल कलर है, फिर येल्लो, फिर पर्पल, येल्लो पर्पल, येल्लो पर्पल। ओके, अभी यहाँ पे ये क्या है, ऑरेंज ग्रीन, ठीक है, हाफ से डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑरेंज ग्रीन, फिर इस बाजू में ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर इधर ऑरेंज ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। तो ये दो कंप्लीट डिज़ाइन आपको करके बताई गई है, नीचे ब्लैंक छोड़ा गया है वो आपको करना है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ क्या है, पर्पल येलो पर्पल, फिर क्या आएगा, येलो फिर पर्पल फिर येलो फिर पर्पल, ठीक है, तो ये आपको कलर फिल करना है इधर पे। ओके, नेक्स्ट ऑरेंज ग्रीन, फिर ग्रीन ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऐसे लाइन डाल लेनी है। ओके, ऐसे पहले ऐसे देखिए कैसे बनाया हुआ है ना ऊपर में, ऐसे फिर ऐसे, तो आपको ऐसे फिर ऐसे आपको स्केल से ऐसे लाइन कर लेनी है, उसके बाद आपको कलर फिल कर लेना है, ठीक है। इधर ग्रीन कलर आएगा, ओके, यहाँ पे भी ग्रीन आएगा, इधर ऑरेंज आएगा, ठीक है, इधर ऑरेंज आएगा, इधर ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा आपको ऊपर से देखकर आपको कलर कर लेना है, और इधर भी वैसे सेम कलर करना है, ठीक है, पर्पल येलो ऐसे कंप्लीट करना है आपका, ये होमवर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज लीफी पैटर्न्स, यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स, सी दीज फाइव लीफी पैटर्न्स, यहाँ पे फाइव लीफी पैटर्न्स है, यानी कि पत्ते से पैटर्न्स बनाया गया है। यहाँ पे देखिए वन लीफ ऐसे है, ठीक है, और जो दूसरी है वो ऐसे खड़ी है, ओके, फिर एक नीचे की तरफ है, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसा पैटर्न बनाया गया है। यहाँ पे देखिए एक ये नीचे की तरफ है, फिर इधर लेफ्ट की तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये लेफ्ट तरफ, ठीक है, फिर ये नीचे। ओके, थर्ड नंबर में कैसा है, वो ऐसा है, मतलब कि थोड़ी टेढ़ी है, ओके, स्लैंटिंग है, यानी कि थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, फिर इधर से थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, ठीक है, इस बाजू से उसको उल्टा कर देंगे तो, ठीक है, फिर इधर से है, फिर उसको अपोजिट साइड से है, फिर इस ऐसे, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न्स आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए दिस साइड, फिर उसको अपोजिट कर दिया गया है, फिर ऐसे रखना है, फिर उसको अपोजिट कर देना है, तो ऐसे पैटर्न्स फाइव पैटर्न्स बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस, यहाँ पे भी आपको पैटर्न्स
फिल करना है बॉक्सेस में आपको देखकर। यहाँ पे क्या है ये देखिए, ये सर्कल है रेड कलर की, फिर यहाँ ग्रीन कलर की क्या है स्क्वायर है, फिर ये सर्कल है, फिर स्क्वायर है ग्रीन कलर की। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सर्कल बनाने, फिर स्क्वायर बनाने हैं, रेड कलर के सर्कल और ग्रीन कलर के स्क्वायर, फिर रेड कलर की सर्कल, फिर ग्रीन स्क्वायर। ओके, अभी एरो है ठीक है, ब्लू से एरो बना हुआ है, तो आपको ब्लू कलर से ऐसे एरो बनाना है। इसमें कोई डिफरेंट अपोजिट नहीं है ठीक है, अपोजिट साइड से नहीं है, सेम वे में है, तो आपको सेम वे में ही बना देनी है ठीक है। ब्लू कलर से आपको सेम बनानी है। ओके, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से वन डॉट बनी हुई है, फिर यहाँ पे टू डॉट बनी है, फिर यहाँ थ्री डॉट बनी है, फिर यहाँ पे वन डॉट बनी है ठीक है। फिर से आप रिपीट हो रहा है ठीक है, वन डॉट बनी है, फिर यहाँ पे आपको टू डॉट बनाना है, फिर आपको थ्री डॉट बनाना है ठीक है। उसके बाद फिर से रिपीट करना है वन और फिर टू। ओके, अभी यहाँ पे देखिए एरो बनी है, कौन से कलर से, रेड कलर से ये एरो बनी है और ये ब्लू कलर से बनी है ठीक है। फिर अपोजिट है देखिए, उसको नीचे कर दिया गया है ठीक है, एरो का जो मुंह है वो नीचे की तरफ है ठीक है, दोनों अपोजिट है ठीक है। फिर इसको ऊपर की तरफ है। ओके, फिर देखिए ये भी ऊपर की तरफ, फिर ये जस्ट अपोजिट है नीचे की तरफ है ठीक है। तो अभी ऊपर की तरफ आएगा लेकिन कलर वही सेम टू सेम है। ओके, रेड और ब्लू में आपको बनानी है। ओके, तो ऐसे कंटिन्यू करना है आपको। और यहाँ पे भी देखिए ये ट्रायंगल है, नीचे की तरफ ऐसे बनी है ट्रायंगल, फिर टू डॉट है, फिर ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनी हुई है, देखिए अभी ऐसे पैटर्न कर दिया है, फिर टू डॉट है ठीक है। अभी अगली बार जब बनाएंगे तो कैसे करेंगे, अभी ये नीचे की तरफ कर देंगे ठीक है, और फिर टू डॉट बनाएंगे, फिर ऊपर की तरफ करेंगे, फिर टू डॉट बनाएंगे। तो ऐसे देख के आपको ऐसे पैटर्न कंप्लीट करनी है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये रेक्टेंगल है ठीक है, तो आपको ऐसे रेक्टेंगल बनानी है, फिर टू कलर्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइट ऑरेंज है एंड ब्राउन है ठीक है, इधर ऑरेंज करना है इधर ब्राउन करना है, फिर पूरे ब्राउन कलर में है रेक्टेंगल ठीक है, फिर उसको टिक टू कलर्स में डिवाइड किया हुआ है ठीक है। फिर आपको फिर से बनाना है तो पूरा ब्राउन कलर लेना है, फिर टू कलर्स में डिवाइड करना है, फिर ब्राउन लेना, फिर टू कलर्स में डिवाइड करना है, ऐसे बनाना है आपको ठीक है। ये देखिए ये सेमी सर्कल है ठीक है, आधे जो सर्कल होते हैं हाफ होते हैं, हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं ठीक है। ऐसे करना है, फिर ये नीचे की तरफ वाला है ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ वाला है, फिर ये नीचे की तरफ वाला है ठीक है। तो ऐसे आपको कंटिन्यू करना है, अभी ये नीचे की तरफ वाला है तो इधर से फिर ऊपर की तरफ वाला आएगा, रेड कलर का है तो रेड कलर्स में आपको बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर पैटर्न्स ठीक है। लेट अस लुक द सम पैटर्न्स विद नंबर्स, फिल द नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न्स। आपको नंबर्स फिल करने हैं जहाँ पे जो छुटे हुए हैं ठीक है, वन फिर थ्री है ठीक है, वन के बाद टू छूटा हुआ है ठीक है, वन टू मिसिंग है, थ्री है, फिर फोर मिसिंग, फाइव है ठीक है, वन वन नंबर छोड़कर किया हुआ है, तो यहाँ फाइव है, तो फाइव के बाद सिक्स नहीं है, सेवन है, तो सेवन के बाद आपको एट नहीं रखना है, यहाँ नाइन लेना है ठीक है। तो वन वन नंबर के वन वन नंबर लीव करके आपको पैटर्न्स बनाए गए हैं ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाइन लिखना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एटी आएगा ठीक है, टेन टेन के गैप हैं ठीक है, ट्वेंटी के बाद टेन का गैप लिया, थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी, तो टेन टेन के गैप्स में आपको लिखने हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ट्वेंटी फोर, फिर क्या है ट्वेंटी सेवन, यानी कि ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स, यानी दो नंबर के गैप है ठीक है, तो 24 के बाद 25 और 26 छोड़ दिया गया, 27 लिखा है, तो 27 के बाद फिर से आपको टू नंबर को छोड़ देना है, 28, 29 को छोड़ के 30 लिखना है ठीक है, 30 के बाद फिर 33 लिखा हुआ है, यानी कि 31, 32 को छोड़ के 33 लिखा हुआ है, तो 33 के बाद 34, 35 को छोड़ के 36 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 36 के बाद 37 और 38 को छोड़ के 39 लिखना है, टू टू नंबर के गैपिंग है, तो आपको यहाँ पे 39 लिखना है, दो नंबर के गैपिंग के बाद यहाँ 39 आएगा। ओके, नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पे 5 5 की गैपिंग यहाँ पे दी हुई है, 5 फिर 10 ठीक है, 5 इसमें प्लस किया हुआ है, 5 10 15 20 25
थर्टी फिर 35, ठीक है, 40, 45, 50, 55, यानी 5-5 के आपको गैपिंग लेना। 5 का टेबल अगर आपको आता है तो 5 के टेबल से भी आप फिल कर सकते हो। 5-1 से 5, 5-2 से 10, 5-3 से 15, 5-4 से 20, 5-5 से 25, 5-6 से 30, 5-7 से यहाँ पे 35 कर देना है, ठीक है, 5-8 से 40, 5-9 से 45 यहाँ कर देना है, एंड 5-10 से 50, और 50 के बाद फिर 5 ऐड करेंगे 50 में, 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 55, ठीक है। नेक्स्ट इज टीटू फ्रॉग जंप्स ओवर टू नंबर्स एंड रीचेस द थर्ड नंबर। टीटू फ्रॉग जो है वो टू नंबर को जंप करता है। देखिए यहाँ पे 1, 2, टू नंबर को जंप किया उसने जीरो पे से यहाँ से, तो यहाँ पे 3 तक पहुँचा। वेयर विल टीटू गो नेक्स्ट, मेक अ रिंग ऑन द अदर्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ 3 के बाद उसने फिर से 2 नंबर को जंप किया, 4 एंड 5 को जंप किया, तो कहाँ तक पहुँचा, 6 तक पहुँचा, ठीक है। तो वैसे आपको 2-2 नंबर के को जंप्स करा के आपको पहुंचाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से 6 है, 6 के बाद वो 2 नंबर जंप करेगा, 7, 8 तो कहाँ जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 9 को ऐसे रिंग कर देना, ठीक है। फिर 10 और 11 को जंप करेगा तो क्या होगा, 12 पे रिंग करना है। 13 और 14 को जंप करेगा तो 15 पे रिंग करना है। फिर यहाँ पे 16, 17 को जंप करेगा तो 18 पे करना है। तो ऐसे आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुँचेगा, ऐसे आपको ऐसे रिंग भी, इधर की भी रिंग बनानी है, ठीक है, ऐसे 12, फिर आपको 15 पर पहुँचाना है उसको, फिर वो यहाँ पहुँचेगा 18 पे, फिर 18 के बाद 19, 20 को जंप करके 21 तक पहुँचेगा, तो फिर इसको यहाँ तक लेकर आना है। फिर 21 के बाद 22, 23 के बाद 24 पे जंप करेगा, तो ऐसे आपको टीटू को जंप कराना है, ओके। नेक्स्ट है टीटू जंप्स एंड गेट ऑन एवरी 10th स्टोन, राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन्स। टीटू जंप करता है एवरी 10th स्टोन को, यानी कि यहाँ पे स्टोन्स बने हुए हैं तो सभी 10th स्टोन्स को वो जंप करता है। 10 प्लस करते हैं हम तो आपको वो नंबर्स लिखने हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसमें हम कितने में हम 10 ऐड करेंगे कि 28 आएगा, ठीक है। तो आपको 28 से 10 माइनस कर देना है तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 है, तो 18 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो वो 28 पे आएगा, ठीक है। 28 में 10 प्लस करेंगे तो 38 पे आएगा, फिर 38 में हम 10 प्लस करेंगे तो कहाँ आएंगे, 48 पर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको 10 नंबर्स को, स्टोन को आपको जंप कराना है, ओके। अभी 48 के बाद फिर से वो जंप करेगा कहाँ, 58 पे, 10 करेगा तो 10 स्टोन को जंप करेगा तो 58 पे आएगा, 58 से फिर 68 पे आएगा, ठीक है, 68 से फिर 78 पे आएगा। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता है वो 10 स्टोन को, तो वो यहाँ तक लास्ट में वो 78 तक आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके बाद कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बार ए लिखा हुआ है, ए ए बी बी सी सी, तो अगला क्या होगा, डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच, ओके। तो ऐसे आपको पैटर्न्स आगे बढ़ाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओके। यहाँ पे क्या लिखा, डी ए वाई डे, एन आई जी एस टी नाइट, डे नाइट, फिर से डे लिखा है, डे, फिर क्या आएगा, नाइट, फिर डे, फिर नाइट, डे नाइट, ठीक है। तो ऐसे आपको आगे आगे करना है, 1, 2, 1, 2, फिर 1, 2, 1, 2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ऐसे कंटिन्यू आपको पैटर्न आगे बढ़ाना है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ऐसे आपको 10 के गैपिंग में लेने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10 के गैपिंग में लेने हैं, 19, 29, फिर 39, 49, 59, 69, 79, 89, ओके, 2, 5, ठीक है। यहाँ 3rd और 4th को, यानी कि 2-2 नंबर के गैपिंग में, ठीक है, 2 नंबर जंप किया हुआ, यानी कि 2 के बाद 3, 4 को जंप करके 5 पर है, तो 5 के बाद फिर 2 नंबर को आपको जंप करना है,
फाइव के बाद सिक्स, सेवन को जंप करके एट पर आए हैं, ठीक है। तो एट के बाद आप कितने टू नंबर को फिर से जंप करोगे, एट के बाद नाइन टेन को जंप करके इलेवन पे आओगे। तो ऐसे टू टू नंबर आपको जंप करके ऐसे कंटिन्यू इलेवन फिर फोर्टीन फिर सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक आप पहुँचोगे, ठीक है। तो टू नंबर्स को आपको जंप करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव, यहाँ फाइव फाइव नंबर्स जंप किए हुए हैं, ओके। ट्वेंटी फाइव फिर थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी, तो यहाँ फाइव फाइव नंबर आपको जंप करना है, ओके। यहाँ पे देखिए एटीन है, ओके। तो 18 के बाद 21 दिया हुआ है, यानी कि 90 20 यानी टू नंबर को आपको जंप करना है, 19 और 20 को 21 फिर 24 फिर टू नंबर जंप करेंगे, 27 फिर टू करेंगे तो 30, 30 के बाद फिर टू नंबर जंप करेंगे 33 फिर 36 फिर 39, ठीक है। यहाँ पे 52 फिर 54 वन नंबर स्किप किया हुआ, देखो 52 के बाद 53 नहीं है, 54 54 के बाद 55 नहीं है, 56 है, 56 के बाद 57 स्किप करना है, 58 लिखना है, ठीक है ठीक है। वहाँ पे वन वन नंबर को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ 60 62 64 और 66, ओके। अभी यहाँ पे देखिए 5P 6Q 7R, हाँ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर आपको कंटिन्यू है, यानी 5 6 7 नंबर है और अल्फ़ाबेट जो है वो भी कंटिन्यू है, PQR। तो आपको सबसे पहले नंबर लिख लेना है कंटिन्यू में, 5 6 7 के बाद 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद PQRS 8S फिर 9S के बाद T आएगा 9T फिर 9 के बाद 10 आता है तो 10T के बाद U आता है, ठीक है। 10U 11V 12W, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। 85 75 यहाँ पे आपको बैक है, हाँ बैकवर्ड काउंटिंग है, ये 85 है तो आपका ये आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। 85 से 75 आया, 75 से 65 फिर 65 से 55 आएगा, ठीक है। 55 से 45 पीछे जाएगा, ठीक है। 45 से 35 35 से 25 25 से फिर 50, ठीक है। तो ये 10 10 के जंप हैं लेकिन बैकवर्ड साइड, ठीक है। 55 50 ये भी बैकवर्ड है, 5 5 के हैं बट बैकवर्ड है। 55 50 ऊपर में हमने देखा फॉरवर्ड थे, आगे की तरफ थे, लेकिन ये बैकवर्ड है, ठीक है। 55 50 45 फिर 40 फिर 35 30 25 20, ओके। 20 19 18 ये भी बैकवर्ड काउंटिंग है, ठीक है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ एक एक कम कर रहे हैं। 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 होगा, फिर 18 17 16 15 14 और 13। नेक्स्ट है 40 38 36, यानी कि 22 के 22 जंप किया हुआ है, ठीक है। 40 फिर 38 यानी कि 1 नंबर स्किप किया हुआ है, 39 को स्किप करके 38 लिखा हुआ, फिर 38 के बाद 36 फिर 34 फिर 32 फिर 30 फिर 28 फिर 26। तो ऐसे आपको लिखना है, आपको ऐसे पैटर्न बनाने हैं, ओके। नेक्स्ट इज केतु हैज मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। केतु ने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं लीव्स को कलेक्ट करके, यानी कि पत्ते को कलेक्टिंग करके वो उसने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हैं। यहाँ पे देखिए ये लीव है, ठीक है, ये ऐसा रखा है, फिर ये इस पर, फिर ये लेफ्ट साइड से रखा गया है, फिर ये जो लीफ था ये ऊपर से था, अभी इसको ऐसे नीचे की तरफ है और ये ऊपर से ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड राइट साइड में फिर डाला गया है, ठीक है, फिर ये ऊपर से, फिर ये लेफ्ट साइड से है, ये लॉन्ग वाली लीफ, उसके बाद ये लीफ है वो अपोजिट, फिर इसके अपोजिट डाली गई है ऊपर की तरफ, फिर ये राइट साइड से ली हुई है, फिर ये नीचे की तरफ डाली, फिर ये लेफ्ट साइड से ली है, ठीक है। तो ऐसे लीफ से पैटर्न बनाए गए हैं। आप लोग भी अपने घर पे लीफ लेकर आइए, लीफ तोड़कर लाइए, पत्ते तोड़कर, और ऐसे पैटर्न आप लोग बनाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे लीफ से उससे ऐसे फोर पैटर्न्स बनाए गए हैं।
ठीक है, तो ऐसे पैटर्न्स बने हैं। ओके, एक ऊपर ये चार की ग्रुप बना दी है, फिर चार के ग्रुप्स को नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे पैटर्न्स। नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स, ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैच स्टिक। आपको लीफ कलेक्ट करने हैं, यानी कि लीफ तोड़ के लाने हैं, और आपको ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं, या फिर आप मैच स्टिक से भी आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हो। मैच स्टिक यानी माचिस की जो तीलियाँ होती है, उससे भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप यहाँ पे मैच स्टिक से अगर लीफ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको मैच स्टिक लेने हैं और यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। हियर आवर चैप्टर हैज कंप्लीटेड, सो राइट एंड लर्न वेल। गुड बाय स्टूडेंट्स।